नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर झारखंड के चतरा से, जहां खरवार समाज ने बहिष्कार कर दिया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का खरवार समाज की तरफ से बहिष्कार किया गया है। सामाजिक कार्य में शामिल अब ये नहीं होंगे। ये बहिष्कार इस वक्त सत्यानंद भोक्ता का खरवार समाज की तरफ से किया जाता हुआ। भोक्ता के बेटे की शादी आज है और वहीं खैर भोक्ता समाज में शादी का विरोध जो है अब इस खरवार समाज की तरफ से किया जा रहा है। गैर भोक्ता समाज में शादी हो रही है और इसी शादी का विरोध अब समाज के लोगों की तरफ से शुरू हो चुका है। तो गैर भोक्ता समाज में शादी का विरोध किया जा रहा है और यही वजह है कि इसे लेकर अब खरवार समाज जो है वो मुखर होता हुआ सामने आता हुआ बहिष्कार किया जा रहा है मंत्री सत्यानंद भोक्ता का। और इसी को लेकर सामाजिक कार्य में अब ये लोग शामिल नहीं होंगे। भोक्ता के बेटे की आज शादी है, सत्यानंद भोक्ता और उनके बेटे की आज शादी, और इसी शादी का विरोध जो है वो किया जा रहा है खरवार समाज की तरफ से, क्योंकि ये जो शादी हो रही है वो गैर भोक्ता समाज में हो रही है और यही वजह है कि इसे लेकर अब नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आती हुई मंत्री सत्यानंद भोक्ता का। सामाजिक कार्य के तौर पर बहिष्कार जो है वो अब इस समाज के लोगों की तरफ से, खरवार समाज के लोगों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बहिष्कार और आज उनके लिए अपने आप में एक बड़ा दिन है। उनके बेटे की शादी आज है लेकिन इस शादी में बहिष्कार के इस ऐलान के बाद गैर भोक्ता समाज में जब शादी की जा रही है तो इसका बहिष्कार समाज के लोगों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। झारखंड में शराब से सरकार का खजाना भरने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। उत्पाद महकमे ने इसका सारा का सारा ठीकरा छत्तीसगढ़ के प्लेसमेंट एजेंसी के सिर पर फोड़ दिया है। झारखंड में छत्तीसगढ़ की जिस एजेंसियों को शराब के रेवेन्यू का प्याला भरने के लिए बुलाया गया था वो एजेंसी लक्ष्य से कोसों दूर रह गई है। खजाना खाली होता जा रहा है और सरकारी महकमे में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। दरअसल नवंबर तक शराब के जरिए झारखंड सरकार के खजाने में 1084 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था, पर इसमें से 562 करोड़ रुपया का चूना लग चुका है। जाहिर है उत्पाद महकमे में खलबली मच गई है। सबसे बड़े कारण तो वर्तमान में लग रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी, जिनको एक काम दिया गया था, वो प्लेसमेंट एजेंसी अपने मूल काम से भटक गए हैं और वो उस सेल को जितना होना चाहिए पर मंथ वो नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एजेंसी कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से बच रही है, पर दबी जुबान से उत्पाद महकमे पर असहयोग का आरोप जरूर मर रही है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में नकली शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जबकि देसी ब्रांड की आपूर्ति बेहद कम है। इसका असर बिक्री और रेवेन्यू पर पड़ रहा है, पर शराब विक्रेताओं की राय इस सबसे अलग है। ऐसी बात नहीं है, जिला से सहयोग की बात नहीं है। आज एक्साइज विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, सब तो उसी में घूम रहे हैं। जितने भी दरोगा हैं, जितने भी इंस्पेक्टर हैं, चाहे एक्साइज कमिश्नर हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, उन्हीं के सेवा में लगे हुए हैं। कि हम लोग को टाइमली पेमेंट नहीं आता, इसके कारण हम लोग जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा कि जो रेट में वृद्धि हुई है वो रेट हम लोग को नहीं मिल रहा है, उसके वृद्धि के लिए हम लोग उनके पास अपना वक्तव्य रखे हैं। प्राइस जब हाइक होगा तो यहाँ का कंपटीशन आपके महुआ के शराब के साथ होता है। हम महुआ का प्राइस जो सो लो होता है, तो जब आप प्राइस हाइक कीजिएगा तो आपका सेल नहीं मिलेगा। उत्पाद विभाग के आयुक्त भी भुगतान की कमी को तो राजस्व में घाटे की वजह मानते ही हैं। छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि वे लोग अपने जो प्लेसमेंट की एजेंसी के जो लोग वहाँ पर बहाल किए गए हैं उनको पेमेंट उनको करना है और पेमेंट करके रिमबर्स के लिए मेरे पास बिल लाना है, लेकिन वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उत्पाद महकमे और छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी के बीच जारी चीज का असर झारखंड सरकार के खजाने पर पड़ा है। अब जबकि चालू वित्तीय वर्ष के महज 3 महीने बचे हैं, ऐसे में उत्पाद विभाग के राजस्व के लक्ष्य तक पहुँचना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है।
उत्पाद विभाग का साफ कहना है कि एजेंसी के अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर एजेंसी का ही नियंत्रण नहीं है। मतलब साफ है कि मार्च के आखिरी तक छत्तीसगढ़ की एजेंसी 2300 करोड़ का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और अब बात झारखंड में नल जल योजना की। तो झारखंड में नल जल योजना लक्ष्य से भटक चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के महज 4 महीने ही अभी बचे हुए, पर अब भी झारखंड के 45 लाख परिवार इस नल जल के कनेक्शन से कोसों दूर हैं। झारखंड बने 22 साल गुजर गए, पर झारखंड सरकार अब तक 61,21,000 घरों में से महज 15.02 लाख घरों में ही पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचा सकी है, जो कुल आबादी का महज 25% तो है ही, राष्ट्रीय औसत यानी 30% से भी 5% कम है। जबकि झारखंड की 75% आबादी अब भी प्यास बुझाने के लिए चापाकल, कुएं और नदी नालों जैसे प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर है। बीजेपी ने गठबंधन सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार काम पर विश्वास नहीं करती है, कमाने पर विश्वास करती है, और इस कारण से काम हो नहीं रहा है। ये कमाने में पूरी सरकार के महकमे में जो भी लोग लगे हुए हैं तो उसी काम में लोग लगे हुए हैं। झारखंड में हर घर नल जल योजना फिसड्डी साबित हो रही है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 62 लाख घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था, पर अब तक इसमें से मात्र 25% घरों में ही पाइपलाइन से पानी पहुंच सका है। इस योजना की मियाद 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है, पर अब भी 45 लाख से ज्यादा घर पानी के कनेक्शन से दूर है। राज्यपाल ने इस पर ऑडिट कराने की बात कही है, तो बीजेपी राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। बचाव में कांग्रेस और जेएमएम ने जोरदार पलटवार कर दिया है। लेकिन अब राज्यपाल महोदय ने ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, तो ये भी देखना होगा कि केंद्र ने कितने निधि उपलब्ध कराए हैं। आज मौजूदा स्थिति तो मेरी जानकारी है कि निधि की अनुपलब्धता है। नहीं, हमें लगता है कि गवर्नर साहब जो कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा पिछली सरकार का भी कुछ ऑडिट कर रहे होंगे। जल नल योजना के बहाने एक बार फिर झारखंड का सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने सरकारी इच्छा शक्ति पर निशाना साधा है, तो सत्ता पक्ष ने केंद्र सरकार पर ही असहयोग करने का आरोप मर रहा है। निरंजन, न्यूज 18, रांची। झारखंड सरकार और द नज फाउंडेशन की बदौलत 400 दीदियों ने सिर उठाकर जीना सीख लिया है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में उन्हीं दीदियों की हौसला अफजाई की। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों सम्मानित हो रही गुमला, लोहरदगा और लातेहार की सुदूर गांवों की ये वो बहादुर दीदियां हैं, जिन्हें अब किसी के सहारे की कतई जरूरत नहीं। इन्हें अब किसी के आगे कभी भी हाथ नहीं पसारना है, बल्कि मेहनत करनी है, पसीना बहाना है और सिर उठाकर इज्जत के साथ जीना है। और ये सब संभव हो सका है झारखंड सरकार और द नज फाउंडेशन के मिले जुले प्रयासों की बदौलत। धीरे धीरे करते हुए उनका जो घर का आमदनी है, पशुपालन से, बकरी पालन से, किचन गार्डन से, एग्रीकल्चर से उनका इनकम बढ़ाते हैं। तो ये 3 साल का रास्ता जर्नी रहता है परिवार, हर परिवार से। तो आज हम लोग 400 दीदी लोग का ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें 400 दीदी अति गरीबी से बाहर आ चुकी हैं। हम दीदी लोग को मदद करते हैं। हम लोग का मेन काम क्या है ना, दीदी लोग जितना सारे गाँव में काम करते हैं उसको छोड़ से अलग तारीखा से इनको 15,000 सालाना मतलब रोजगार देना है ज्यादा। जैसे नॉर्मली कोई भाटा में काम करते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, जंगल से कुछ रोजगार करते हैं, उसको छोड़ के हम लोग जो जुड़ा हो तो उसको अलग करके 15,000 रुपया उनको फायदा देंगे। गुमला, लोहरदगा और लातेहार की अति पिछड़े गाँव की ये दीदियाँ कल तक पाई पाई को मोहताज थी। पेट भरने के लिए दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ता था, परिवार और बच्चों का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया था। मजबूरी में कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी तो कभी छोटे मोटे काम, जिसमें ना पैसा मिलता था और ना ही इज्जत। पर झारखंड सरकार और द नज फाउंडेशन ने इन्हें गरीबी के दलदल से निकाला और खेती बाड़ी और पशुपालन की ट्रेनिंग देकर इज्जत से जीना सिखाया। लोहरदगा, गुमला और लातेहार की 400 दीदियों के आत्मनिर्भर होने के बाद अब बारी है गुड्डा, पलामू और पूर्वी सिंहभूम की 4,000 गरीब महिलाओं की।
जहां चल रहे एंड अल्ट्रा पॉवर्टी प्रोग्राम के जरिए जल्द ही उनकी भी किस्मत संवरने वाली है। निरंजन, न्यूज 18, रांची। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर रांची में 33 दिन तक गैंग रेप किया गया है। बरियातू थाने में FIR दर्ज है, आरोपी अजय गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, चार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जो है वो लगातार होती हुई, नाबालिग से गैंग रेप के आरोप में आरोपी अजय और गौरव गिरफ्तार है, लेकिन चार अन्य आरोपियों की तलाश इस वक्त भी जारी है। और संवाददाता रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर रांची से जुड़ गई हैं। रूपाली, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी और चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की कोशिश अभी हो रही है? बता दें कि एक महीना पहले ये नाबालिग लड़की अचानक से गायब हो गई थी, जिसके बाद इनके माता पिता ने बरियातू थाने में FIR दर्ज कराया था लापता होने की। उसके बाद अभी चार दिनों पहले इस लड़की को रिकवर किया गया पुलिस के द्वारा, और इसके बाद लड़की ने खुलासा किया है कि उसके साथ रांची के अलग अलग जगहों पर गैंगरेप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, और उसमें ये सारे लोग शामिल थे, और उनमें से दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चार लोगों की लगातार छापेमारी चल रही है, उन्हें भी पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। और फिलहाल लड़की जो है मेडिकल जांच जो है उसल रहा है, और चार दिनों पहले उसे सेफली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने सरकारी अफसरों पर विवादित बयान दे दिया। रांची के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जिला अध्यक्षों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर उनकी बात नहीं सुने तो सरकारी योजना पर टाल मटोल अगर करें तो उन्हें गड्ढे में डाल दीजिए, केस मुकदमा होगा, जेल में रहोगे, तो बड़ा नेता बनकर आप बाहर निकलेंगे। बाद में उन्होंने अपने ही बयान पर सफाई भी दी। सारा मुखिया मेरा, अरे बाहरे रे, लगा के हाथ उठा क्यों नहीं, कहीं गढ़ा में डालो, जो केस मुकदमा होगा, दो चार दिन जेल में रहो, जेल में रहोगे तो आप बड़ा नेता बनके निकलोगे, ढाई बरस हम जेल में थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नहीं, कोई मुमताज होने की जरूरत नहीं है, प्यार से समझाओ, न समझे तो थोपियाओ, लेकिन छोड़ो मत, यही हमारा आपसे अनुरोध है। मैं जो कहता हूं वो करता रहा हूं, मैं कहता हूं करता रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि रो विधवा विलाप मत करो, अगर कोई पदाधिकारी लोगों के गवर्नमेंट के सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहा है और वहां चुने हुए लोग जो हैं वहां प्रमुख है, उप प्रमुख है, मुखिया है, अगर उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उसका विरोध करने का तरीका है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन विरोध करो और विरोध करना चाहिए। झारखंड के चार कांग्रेस जिला अध्यक्षों के नाम में फेरबदल के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर थम गए हैं। नई लिस्ट के तहत रांची के पार्टी दफ्तर में रांची शहरी जिलाध्यक्ष कुमार राजा और ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश किरण महतो का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बीच में जिलाध्यक्षों का नया मनोनयन हुआ है तो उसको और तेज गति से, ताकि ये लगे कि हाँ हमने जो कार्यभार संभाला है उसको आपके कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जो पुराने जिला अध्यक्षगण थे उन्होंने जो काम अब तक किया है उसको और तेजी से आगे बढ़ाएं, यही हमारी इच्छा है। संपर्क, समन्वय और संघर्ष यही एक मूल मंत्र है, उसके ही सिवा हमारे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है कि लोगों की आवाज बने और अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। झारखंड विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र पर विपक्षी दलों ने अब सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है और इसीलिए शीत सत्र को छोटा कर दिया गया। सारे मुद्दे उठेंगे तो सरकार चाहेगी कि विधानसभा न चले, बल्कि उनका जो एजेंडा है वो सारा का सारा विधानसभा से पारित हो जाए और विपक्ष और सारे विधायक का जो मुद्दा है वो न हो,
ये चार पाँच दिन के सत्र में बहुत ज़्यादा पीछा नहीं की जा सकती, ये तो सिर्फ दिखावे का सत्र है। कुल मिलाकर के तो बहुत ही कम दिन है, क्योंकि सरकार चर्चा से भागती रही है और चाहती नहीं है कि जन समस्याओं को लेकर के विधायक सदन में आवाज़ उठावे, इसलिए कोशिश करती है कि सरकार कैसे भागे जल्दी जल्दी। सरायकेला के चांडिल में गैस टैंकर से गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। टैंकर को सड़क के किनारे रोक दिया गया और राहगीरों से रुकने की अपील की गई। तस्वीरें इस वक्त देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गैस का रिसाव इस टैंकर से शुरू हो गया। हालांकि लोगों की तरफ से तत्परता दिखाई गई, गाड़ियां यहां से हालांकि फिर भी कई गुजरती हुई आपको नजर आ रही होंगी, जो बेहद खतरनाक है। ये घटना हुई नेशनल हाईवे संख्या 33 पर कांदर बेड़ा के पास, जहां पर सरायकेला से जमशेदपुर जा रहा ये गैस टैंकर अचानक से तेजी से इस टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव इतना तेज था कि आसपास के इलाके में तेजी से धुआं फैलने लगा और इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि थोड़ी ही देर में रिसाव खुद ब खुद बंद हो गया और टैंकर को जमशेदपुर रवाना कर दिया गया। धनबाद की अदालत ने मुथूट एनकाउंटर के खिलाफ दर्ज याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। केस की अगली सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी एमजेड तारा की कोर्ट में होगी और यह मामला बैंक मोड़ के मुथूट फिनकॉप में 6 सितंबर को हुए एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, जिसमें बैंक मोड़ पुलिस ने शुभम सिंह नामक डकैत को एनकाउंटर में मार गिराया था। पर मृतक की मां शशि देवी ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए बैंक मोड़ थानेदार पीके सिंह के अलावा पुलिसकर्मी उत्तम कुमार और गौतम कुमार पर हत्या का केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी। 12 बजे कहते हैं मेरा बेटा के किया हुआ, हमको 6 बजे सूचना मिल रहा है मेरा बेटा घर में काज के लिए गया था। मेरा बेटा का धनबाद भर में अपराधी इतिहास नहीं था, वो पढ़ने वाला बच्चा था, उसको ही लोग डकैत बना दिया। पुलिस वाला पीके सिंह गुंडा है, वर्दी वाला गुंडा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, इसको जमीन बेच के लड़ना पड़ेगा। शिकायतवाद मृतिका की मां ने दर्ज कराया था, उसे माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी ने एडमिट कर लिया है और एडमिट करने के उपरांत उस मुकदमे को जो है माननीय न्यायिक अधिकारी मिस एमजे तारा के न्यायालय में उसको ट्रांसफर किया गया, वहाँ इंक्वायरी होगी। आने वाली तिथि को जो कंप्लेनेंट है इसके केस की शशि देवी, उनका बयान दर्ज किया। रामगढ़ के बुरकुंडा में सीसीएल सेंट्रल सौंदा रेलवे साइडिंग के क्रशर के पास अपराधियों ने फायरिंग का प्रयास किया, जिसमें वे असफल रहे और इस दौरान अपराधी बाइक से नीचे गिर पड़े और फिर वहां से भाग खड़े हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपराधी क्रशर चालू नहीं करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालांकि जांच में जुट गई है। साइटिंग में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को अब पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके जरिए अब इन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से जारी है। रांची के पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। यहां लोग समूह बनाकर नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। मंदिर में नशा करने वाले ने खुद बताया कि उस इलाके में चरस गांजे का सेवन धड़ल्ले से और खुलेआम होता है। मंदिर प्रबंधन द्वारा देखरेख में कमी होने की वजह से मंदिर परिसर असामाजिक तत्वों का जैसे अड्डा सा बन गया है। जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। यहाँ का लोग क्या पीता है? यहाँ चिलम चरस हीरोइन। मंदिर में ऐसा करता है तो दिक्कत नहीं होता है? बड़ी दिक्कत है, यहाँ बोला जाता है कि पब्लिक थोड़ी मानने वाला है नशा करने के। अच्छा, आप लोग तय है कि आप लोग नहीं पीते हैं? ना, हम लोग वो सब नहीं करते, ज्यादा नहीं करते, मतलब थोड़ा बहुत नहीं। चिलम नहीं, सिगरेट। राजधानी रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से में देखभाल में कमी आने की वजह से जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, अगल बगल के बस्ती के लोग हैं, वो इसे एक नशेड़ियों का अड्डा बना चुके हैं। ठीक, आपको सामने तस्वीरों में दिखाऊंगी। ये जो है ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, जहाँ पर पीछे से कहीं जाने का रास्ता नहीं है। कैंपस में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण आप सामने देखेंगे कि जत्था लोगों का बैठता है, नशेड़ियों का जो है यहाँ पे अड्डा बन चुका है। आसपास के बस्ती के लोग यहाँ पहुँचते हैं और दिन रात खुले
आम बिना किसी डर के निडर होकर यहाँ पर धूम्रपान और नशे की जितने भी नशीली पदार्थ है उसका सेवन करते हैं। बता दें कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो मंदिर के प्रबंधन है वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन इस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा, मंदिर में गार्ड भी नहीं है। एक एजेंसी थी जो गार्ड को यहाँ पे रखी हुई थी, मगर वो एजेंसी भी अभी जा चुकी है। अभी अगल और बगल दोनों लोगों में जत्था बैठा हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पे, आपने क्या देखा? सिर्फ नशा हो रहा, आप यहीं से देख सकते हैं, सिर्फ धुआं उड़ रहा है हवा में। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर अब जो हाल है वो बदहाली दिख रही है। केवल यहाँ के पूरे पिछले हिस्से में लोगों ने, आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया है और इसे नशीली यहाँ पर सेवन करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण ने भक्तों से लेकर पुजारियों तक की चिंता को बढ़ा दिया है। स्थायी बाउंड्री नहीं होने की वजह से, मेंटेनेंस के अभाव की वजह से मंदिर के निचली सीढ़ियों के आसपास तकरीबन 150 से भी ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। जब भी इसे लेकर कोई शिकायत होती है प्रशासन यहां पर पहुंचता जरूर है, अतिक्रमण को हटाया भी जाता है, लेकिन उसके बाद खामोश बैठ जाता है प्रशासन। कुछ दिन बाद एक बार फिर से यथावत स्थिति बन जाती है, अतिक्रमण का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ अतिक्रमण जो है बार बार हो रहा है, जिससे हम लोग को काफी परेशानी हो रहा है। चोर उकचे लोग जो है चारों तरफ से मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और हम लोग को मंदिर में क्षति पहुँचाते हैं। कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ लगभग होंगी पीछे? लगभग 200 के आसपास जो है झुग्गी झोपड़ी होगी और कैंपस का पूरा हिस्सा लोग घेर लिया है। राजधानी रांची की ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर भी अतिक्रमण का दौर जो है वो शुरू है। इस वक्त हम पहाड़ी मंदिर के ठीक के दूसरे हिस्से में खड़े हैं, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से ये यहां पर करीबन 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जो है वो बसी हुई है। लगातार ऊपर उसके मंदिर का हिस्सा है, लेकिन नीचे जो लोग हैं वो कैंपस के अंदर घुस कर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को बसा रहे हैं, जिस पर नगर निगम बार बार आती है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है, लेकिन उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद कैंपस के अंदर वापस आपको वही लोग रहते हुए दिखाई देंगे, जिससे मंदिर के लोग जो है प्रबंधन है वो भी काफी नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम भी इस पर काफी ज्यादा चुप दिखाई दे रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।